यदि आज सूर्योदय तक तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं महादेव का त्याग कर दूंगी और सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। स्वयं विचार करो, एक जीत में भी हार छिपी है और दूसरी जीत में मेरी वरमाला का हार। अब चयन तुम्हारा है शुम। क्या ये सत्य है? असत्य तो मैं कभी कहती ही नहीं। तो फिर यही सत्य तुम्हारा प्रारब्ध होगा। मैं करूंगा सत्ता तुम पर। युद्ध मुझे स्वीकार है पार्वती। माता रुष्ट है और यहां संतान। ये आपके चयन का परिणाम है महादेव। यही दर्शन आप सिखाते हैं ना महादेव? ये हर चयन के अपने परिणाम होते हैं और हर कर्म हमारा प्रारब्ध बनाता है। आपने माता को शुम का वध करने से रोका, उसका परिणाम है कि माता रुष्ट और उसका प्रारब्ध कि आपकी संतान विचलित। आकाश से जल इसलिए नहीं बरसता कि मेघ उसका भार उठाने में सक्षम नहीं, वो धरा की प्यास बुझाने के लिए बरसता है। कई बार महान हित के लिए छोटी उपलब्धियों को त्यागना पड़ता है। परंतु मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती यदि माता अपना लक्ष्य अपनी शपथ पूर्ण कर। परंतु आपने उन्हें ऐसा करने से रोक दी। स्मरण रखना पिताश्री, यदि शुंभ आज रात्रि बचने में सफल रहा, यदि मेरी माता का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो तो ये कार्तिक सदा के लिए कैलाश छोड़ देगा। प्रत्येक घटनाक्रम समय चक्र से जुड़ा होता है कार्तिक, और तुम अपने पथ पर चलने के लिए स्वतंत्र हो। किंतु अभी महत्वपूर्ण यह है कि भले ही अपने पिता पर ना सहे किंतु अपनी माता पर विश्वास रखो। ये हैं हमारे महाराजा शुंभ, त्रिलोकपति, सदा हमारी सुरक्षा में खड़े रहे। पर आज कालचक्र ने इनको इनकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध में खड़ा होने पर विवश कर दिया। तुम्हारे अनुचरों को ऐसा ना लगे कि तुम्हें किसी छल में फंसाया गया है शुंभ, इसलिए अपनी स्थिति स्पष्ट करो। मैं अपनी इच्छा से देवी काल रात्रि से युद्ध के लिए सज्ज हूं। नहीं महाराज, आप कल प्रातः तक रुक जाइए, आप अमर हो जाएंगे।
फिर से त्रिलोकपति होंगे, हम असुरों के राजा। ना तो मुझे त्रिलोक चाहिए और ना ही तुम असुरों की चिंता है मुझे। मुझे केवल पार्वती चाहिए। स्मरण है ना देवी, इस युद्ध में हार कर तुम्हें मेरी होना होगा। हर नारी का यही प्रारब्ध तो है, उसे पुरुष से हारना ही है, और आज तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्रारंभ से ही तूने नारी शक्ति को ललकारा है शुंभ, और आज रात्रि तुझे अनुभव हो जाएगा कि जब जब नारी को अबला समझ उसे पीछे धकेला जाएगा, उसके भीतर छिपी महाकाली आगे आएगी। मैं आवाहन करती हूं उन सब देवियों का जिनका मान हरने की चेष्टा की है तूने। ये तो अन्याय है, मैं तो केवल महाकाली से युद्ध चाहता था। जब भी किसी नारी पर आक्रमण होगा उसमें से एक महाकाली उत्पन्न होगी दुष्ट। तुम भयभीत हो गई, स्वयं नहीं आई तो इन दुर्बल देवियों को भेज दिया मेरे समक्ष। ये तो छल है। ये छल नहीं है शुंभ, ये तेरे अंत का आरंभ है। नारी को दुर्बल समझने वाले दुष्ट, आज तुझे नारी शक्ति का बोध हो जाएगा। तुम्हारी इच्छा थी ना महाकाली के साथ युद्ध करने की? देखो अपने चारों ओर, हम सब में महाकाली है, और हर एक नारी में महाकाली की ऊर्जा समाई हुई है। Thank you.
करने की योजना है ये, और ये योजना मैं कभी सफल होने नहीं दूंगा। सूर्योदय होने को है, यदि सुबह तक जीवित रहा तो मृत्यु कभी नहीं आएगी मुझे, तू मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी महाकाली। काल की रात्रि है शुभ, जहां समय हो या प्रकाश, भाव हो या प्राण, सब मुझ में समा जाते हैं। आज तेरी कोई शक्ति तेरे काम नहीं आएगी शुभ, क्योंकि आज काल की रात्रि है। आज तेरे विनाश के साथ इस संसार को ये सीख मिलेगी कि जो भी नारी के अस्तित्व को ललकारता है, उसके स्वयं के अस्तित्व का अंत हो जाता है। तू नारी के तेज को समझा ही नहीं मूर्ख, आज मैं तुझे नारी के अर्थ और प्रारब्ध दोनों से अवगत कराऊं। नारी यदि पार्वती है तो वो महाकाली भी है। आज मैं हर नारी में छिपी महाकाली का प्रारब्ध तुझे समझाऊंगी। देख रहे हैं महादेव, नारी की शक्ति। देख रहा हूं नारायण, और संसार भी अपने अंत तक ये स्मरण रखेगा, जो नारी का सम्मान नहीं करेगा उसका परिणाम क्या होगा। अर्थ तू, क्योंकि मेरे पश्चात ही आरंभ है। आरंभ तू, क्योंकि हर अंत से मैं प्रारंभ करती हूँ नए युग का सूत्रपात। शब्द तू, क्योंकि शब्द अनंत है, नाद है, ब्रह्म है। अर्थ भी तू, क्योंकि जब जब अनर्थ उठेगा मैं उसका नाश करूंगी। अंत तू, इस संसार का जन्म अणु से होता है, वो कण वो अणु जो जन्म देती है वो मैं हूँ। ब्रह्मांड तू, क्योंकि अंत के पश्चात सब मुझ में ऐसे समा जाते हैं जैसे ब्रह्मांड में। कर्म तू, मोक्ष भी तू, क्योंकि मुझ में विलीन होने के लिए समय चलता है, और मुझ में विलीन होकर सब समाप्त हो जाता है। प्रकाश तू, अंधकार भी तू, क्योंकि धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश हूँ मैं, और अधर्म को निगल जाने वाला अंधकार हूँ मैं। काली तू, क्योंकि काल से परे हूँ मैं। महाकाली तू।